केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिलों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बिलों के विरोध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने दिए गए 7 दिवसीय धरने के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरने को संबोधित करते हुए 3 बिलों को किसान विरोधी बिल बताया है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला बाड़मेर के तत्वाधान में जिला संयोजक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर पर 7वें और अंतिम दिन धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा के आह्वान पर 550 जिला मुख्यालयों पर किसानों के समर्थन में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। धरने के 7वें और अंतिम दिन बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 कानूनों पर रोक लगाई गई है एवं 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा समर्थन करता है। पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाए गए हैं, भविष्य में किसानों व आम जनता के लिए दुष्परिणाम आएंगे, इसलिए इस कानूनों को रद्द करने तक आंदोलन जारी रहेगा। जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे चले 7 दिवसीय धरने के दौरान किसान संगठनों ने साफ साफ कहा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईवीएम से स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। उसके बाद भी शासक वर्ग चुनाव आयोग द्वारा लगातार देश में ईवीएम को उपयोग किया जा रहा है, जिस वजह से आज सारी समस्या पैदा हुई है। ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जरूरत है। इस धरना प्रदर्शन में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, अनोप मंडल प्रतिनिधि ने समर्थन दिया।